लगभग 2 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद में फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मेन द्वार पे। तो आप तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियांक त्यागी ब्लॉग में। तो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने आप लोगों के पास में कुछ अपनी ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह नहीं पहुंचाए थे, तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि फिर से दोबारा एक बार और हम आप लोगों के पास लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ट्रैवल ब्लॉग। तो अब की बार जो ट्रैवल है ये कुछ इस तरीके से होगा कि हम 2 जगह ही जा रहे हैं ज़्यादातर, जैसा हम करते हैं। ऑफकोर्स आप लोगों का फेवरेट खाटू श्याम तो है ही, लेकिन इसके अलावा इस अब की बार हमने एक जो नया एड ऑन किया है वो है मेहंदीपुर बालाजी। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था, जो ट्रैवल ब्लॉग था हमारा उसमें हमने आपको सालासर बालाजी दिखाया था, और अब की बार मेहंदीपुर बालाजी है। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में तो शायद आप लोगों ने सभी ने सुना ही होगा, बहुत फेमस है भूत प्रेत और इन सब चीज़ों के लिए। मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ, तो चलते हैं। और जिन बस के साथ जा रहे हैं वीडियो के एंड में हम आपको पूरा रेट वगैरह बताऊंगा कि क्या सुविधाएं हैं क्या है, तो सारा का सारा आपको दिखाते रहेंगे। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि ट्राई करते हैं कि शायद इसके 2 पार्ट्स बनाएं, पार्ट 1 में मेहंदीपुर बालाजी और पार्ट 2 में हम लोग खाटू श्याम का रखेंगे। तो पहला जो स्टॉप होगा हमारा वो मेहंदीपुर बालाजी के लिए होगा। अभी जो समय हुआ है करीब 8 बजने वाले हैं रात के, करीब 8:30 के करीब में हमारी बस चलेगी और हम करीब सुबह 4-5 बजे के करीब में हम मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेंगे। खैर बाकी की बातें करते रहेंगे, फटाफट चलते हैं बिना किसी देरी के, आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद में अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। रास्ते में एक टूरिस्ट ढाबा है, लगभग रात के 11:30 हो चुके हैं और यहाँ पे अभी हमको 15-20 मिनट रुकना है। यहाँ पे डिनर वगैरह अभी हमने जस्ट अपने लिए ऑर्डर किया है, तो डिनर में अभी हमने जो ऑर्डर किया है यहाँ पे ऑर्डर दिया है हमने स्पेशल शाही थाली, तो उसमें शायद 2 या 3 इन्होंने डिशेज वगैरह है। 10 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका है, अभी तक हमारा खाना आया नहीं है। और 260 रुपये की एक थाली है, पानी जो है हमने वो अलग से अपना लिया है। तो एक बार खाना आ जाए उसे टेस्ट करते हैं, वो भी आपको बताते हैं, उसका रिव्यू भी देते हैं कि कैसा खाना है। तो एक बार खाने का वेट करते हैं आप आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमारी थाली लग के आ चुकी है, तो फिलहाल आप देखें 2 थाली, एक मेरी है और एक दूसरी थाली जो हमारे सौरभ भाई की है जो कि कैमरे के पीछे खड़े हैं और शूट करने के बाद में फिर वो खाएंगे। एक बार पास से दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ में। ये तो दाल है, एक बार मैं तो ये इसमें एक नॉर्मल दाल हो गया, जीरा आलू हो गया, शाही पनीर है और रायता है, सैलेड दिया है जिसमें से हम प्याज तो नहीं खाने वाले क्योंकि हम बालाजी जा रहे हैं, और 3 रोटियां हैं बटर में और राइस। तो फटाफट मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है यहाँ पे, तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी इसका टेस्ट आपके पास पहुँचाता हूँ। सिंपल दाल, बढ़िया। अब बात करते हैं इनके शाही पनीर की। शाही पनीर ओके ओके है, कोई खास इतना नहीं है। और तीसरा ये जीरा राइस, ठीक है, फाइन है। अब टूरिस्ट प्लेस पर आए हो तो आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो, रायता इनका अच्छा है। तो एक काम करते हैं, मैं और सौरभ भाई फटाफट डिनर ख़त्म करते हैं और उसके बाद आपसे आगे मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। तो मिलते हैं एक छोटे से डिनर के ब्रेक के बाद। तो दोस्तों सुबह के करीब 4:10 हो रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी, और जस्ट अभी हम अपना बैग लेकर के उतरे हैं मेहंदीपुर बालाजी से। हालांकि मैं अपना बैग नहीं लाया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे नियम हैं
कि यहाँ पे आप खाने की चीज़ें आप लेकर आते हैं तो आपको छोड़कर आना होगा, ये है आप कुछ यहाँ से लेके नहीं आ सकते। तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने कपड़े लेकर आया हूँ, बाकी सामान मेरा मेरी गाड़ी के अंदर ही है जिस बस के थ्रू हम आए हैं। फिलहाल ये जो वाइट वाली बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे स्टे करेंगे, यहाँ पे नहाएंगे धोएंगे फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद जाएंगे हम आगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। अंदर चलते हैं, फ्रेशअप होते हैं, फिर मंदिर के लिए चलते हैं, आप लोगों को फिर आगे पूरा बताते हैं क्या क्या इनकी तरफ से फैसिलिटीज हैं, मंदिर के अंदर क्या क्या होगा। मुझे ये भी नहीं पता मंदिर के अंदर कितना शूट करने दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा, जितना मैक्सिमम हो पाएगा आपको पूरा डिटेल में आपको जरूर बताएंगे। चलिए तो दोस्तों, अभी जो समय हो रहा है वो सुबह के 7:30 हो रहे हैं, 7:30 बजे यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर से लंबी लाइन लग चुकी है। तो अभी हम लाइन में ही लगने जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कितनी लंबी लाइन है। आइए, उसके भी लगाओ। बहुत तेज बारिश हो रही है और अभी भी हम लाइन में लगे हुए हैं, अब जाके भी निकल नहीं सकते, बाहर निकल के तो फिर दोबारा से लगना पड़ेगा। 1.5 घंटा हो गया है लगे हुए और अब बारिश भी हो चुकी है, आपको फील हो रहा होगा, और आगे भी अभी बहुत लंबी लाइन है। चलिए बीच बीच में देखते रहेंगे, कोशिश करते हैं अभी तो अपने आप को बचाएं, अपने गैजेट्स को बचाएं बारिश से, अभी हालत ख़राब हो रही है काफ़ी। फाइनली लगभग 2 घंटे लाइन पास, लगभग 2 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद में फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मेन द्वार पे। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, अंदर आ चुके हैं लेकिन अभी सफर खत्म हुआ नहीं है, बहुत लंबी भीड़ है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं जगह जगह, बैरिकेड्स को अभी हमें पार करना है। मैंने माइक भी ऑफ किया हुआ, आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ सही से समझ में आ पा रही है नहीं। अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, आप जहाँ करके थोड़ा सा लगता है अभी हम चल रहे कि अब थोड़ी सी उम्मीद हुई है, हल्का सा चल रहे हैं, 15 कदम चलते हैं फिर रुक जाते हैं, 15 कदम चलते हैं फिर रुक जाते हैं, और अभी अंदर जितना है फिर भी मुझे अभी लग रहा है कि कम से कम आधा घंटा अभी भी और लगेगा, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे में जा करके हमको दर्शन जो है पूरे हो पाएंगे।
तो दोस्तों अभी जस्ट मंदिर से दर्शन करके बाहर आए हैं। अगर मैं आपको टोटल टाइम बताऊं तो लगभग 3 घंटे हमें लगे हैं, 2 घंटे हमें बाहर लगे थे, 1 घंटा हमें अंदर लगा, 3 घंटे। दर्शन की बात करी जाए तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, लेकिन वहाँ पे जो अलग अलग जो थे, जो जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, कहा जाए भूत प्रेत का इलाज, वो चीज़ जो देख कर के ना एक अलग ही वाइब्स वो आई थी। आपको वीडियो में फुटेज में अभी भी चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि क्या माहौल था अंदर, लोग के अंदर जिसको भी लगता है कि उनके ऊपर ऊपरी है, और किस तरीके से वो यहाँ पे आकर के वो लोग जो है क्षमा मांग रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि उनका सही से इलाज हो जाए। और वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं, हर कोई यहाँ से पे आता है तो सही होके ही जाता है। तो फिलहाल हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को मौका मिला आप लोगों को इस जगह के दर्शन कराने का। तो अभी ये शुरुआत है अभी सफ़र की, अभी हमने पहला पड़ाव पार किया है, दूसरे पड़ाव की तरफ बस जाने वाले हैं। बारिश का माहौल है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। थोड़ी देर में अभी हम निकलेंगे यहाँ से, लंच वगैरह करने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से खाटू श्याम में। खाटू श्याम के लिए, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, उसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो इस वाले वीडियो को मेहंदीपुर बालाजी को यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो में कमेंट में ज़रूर जय श्री राम लिखिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए प्रियांक त्यागी ब्लॉग। जय श्री राम। तो अभी हम लोग लग चुके हैं लाइन के अंदर।